अगर हम H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो इस H2SO4 से हमें मिलेगा H+ और HSO4-. तो H+ क्या करेगा, इस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन कर लेगा. प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एसिड बेस रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट्स अ फास्ट स्टेप. ये एक फास्ट स्टेप है क्योंकि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है. और उसके बाद हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल OH2+. OH2+ इज ए गुड लिविंग ग्रुप, सो इट विल लीव इन ए स्लो स्टेप. दिस स्टेप इज RDS एंड दिस इज द SN1 रिएक्शन, एक्चुअली SN1 टाइप रिएक्शन, जिसमें कि ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा. मैं जरा सा इसमें एक संशोधन कर दूं. अगर मैं यहां पर R ऐसे ले लेता हूं, RCH2CH2, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा RCH2CH2. तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा वो भी होगा RCH2CH2. ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. तो ये रीअरेंजमेंट करके H- शिफ्ट करके क्या बन जाएगा बेटा बताओ? ये एक फास्ट स्टेप है, H- शिफ्ट के बाद ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना. सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी हो जाएगा. अगर R भी एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप हो तो अब इसके बाद ये जो HSO4- है ना, जो पहले स्टेप में मिला था हम लोगों को, ये इस बीटा H को ट्रैप करेगा, तो जिससे कि ये अल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना. ये भी एक फास्ट स्टेप होगा, ये बन जाएगा अल्कीन और H2SO4 अलग निकल जाएगा. H2SO4 इज फाइनली रिकवर्ड. जब कभी कोई रिएजेंट रिएक्शन में पार्ट करे लेकिन फाइनली वो बाहर निकल जाए तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं. और ओवरऑल क्या हुआ बताओ, इस एल्कोहल से वो वाला एल्कीन बना है, यानी इसमें से एक H2O ही तो निकला है ना. देखो, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. सो दिस रिमूवल ऑफ वाटर कुड बी पॉसिबल ड्यू टू कैटलिटिक इफेक्ट ऑफ एसिड. HSO4- यहां पर बेस की तरह बिहेवियर कर रहा है. ये अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता तो कार्बोकेटायन पे अटैक कर लेता, लेकिन HSO4- इज ए बेटर बेस देन न्यूक्लियोफाइल. ऑल्दो इट इज ए वीक बेस एंड इट इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल एज वेल, बट इट्स बेसिक कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर इट्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, एंड दैट्स वाई ओनली E1 रिएक्शन इज पॉसिबल इन दिस केस. अर्लियर वी स्टडीड दैट E1 रिएक्शन goes parallel with SN1 reaction and rather SN1 product is the major product. But in this case, we'll get only E1 product. Because HSO4- will not attack as a nucleophile. Baat samajh mein aayi? And the actual SN1 reaction starts from here, from protonated alcohol. So rate of reaction is directly proportional to the concentration of protonated alcohol. Baat samajh mein aagi? क्लियर होगी ये बात. किसी एल्कोहल में से वाटर निकला है जिसकी वजह से अल्कीन बना है. ये एक E1 रिएक्शन है, H2SO4 से होती है. H2SO4 की जगह और कौन सा एसिड यूज किया जा सकता है? H3PO4. उनमें से बेटर कौन सा है? SN1 रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि कार्बोकेटायन बना था फिर भी, क्योंकि HSO4- जो है, हाँ, इट्स अ बेटर बेस देन न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, हो जाएगा. इसके की पॉइंट्स लिखो जरा.
पहला पॉइंट लिखो। बहुत सिंपल सा फंडा है, जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है वहां से OH निकालकर प्लस चार्ज लगा दो, फिर रीअरेंजमेंट चेक कर लो। रीअरेंजमेंट वगैरह फाइनली हो जाए तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज फाइनली आया है उसके इमीडिएट पड़ोसी कार्बनों से H निकाल निकालकर एल्कीन बना दो। एक से अधिक एल्कीन पॉसिबल होंगे तो सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो मेजर होगा वो मेंशन किया जाएगा, जो ज्यादा क्राउडेड होगा वो मेजर होगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखो, इन फर्स्ट फास्ट स्टेप एल्कोहल गेट्स प्रोटोनेटेड। सेकेंड पॉइंट लिखो, इन सेकेंड स्लो स्टेप H2O लीव्स टू गिव ए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, टू गिव ए कार्बोकेटायन, ऐसे लिखना H2O लीव्स टू गिव ए कार्बोकेटायन। दिस स्टेप इज आरडीएस, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिख लो, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। लेकिन ध्यान रहे, रीअरेंजमेंट एक फास्ट स्टेप है, रीअरेंजमेंट रेट को डिटरमाइन नहीं करता। इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। उसके बाद वाला पॉइंट लिखो, इन थर्ड फास्ट स्टेप HSO4- abstracts beta H plus. In third fast step HSO4- abstracts beta H plus to give an alkene. एक और पॉइंट लिख लो, HSO4- is a better base than nucleophile. HSO4- is a better base than nucleophile. That's why only even reaction takes place. ठीक है ना। मतलब इसमें SN1 का चांस नहीं है। अगर H2SO4 की जगह HI ले लेते तो SN1 का चांस भी हो जाता, क्योंकि I- एक अच्छा nucleophile भी है, और बल्कि बेस वो वीक है और nucleophile वो स्ट्रांग है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। HI भी बहुत स्ट्रांग एसिड है और H2SO4 भी एक स्ट्रांग एसिड है। जब हमने एल्कोहल के साथ H2SO4 लिया तो डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर निकल गया और एल्कीन बना। अगर हम एल्कोहल के साथ HI लेते तो SN1 रिएक्शन होती और आयोडाइड बनता, क्योंकि HI का जो I- है वो न्यूक्लियोफाइल तो बहुत अच्छा है लेकिन बेसिक कैरेक्टर उसका बहुत वीक है, बिकॉज ऑफ बींग वेरी लार्ज इन साइज। आयोडाइड आयन इज वेरी लार्ज इन साइज। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन लिखो, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद H2SO4 इट गिव्स अल्कीन, वेर एज With HI, it gives substitution product. Give reason. क्यों? जब किसी एल्कोहल को, मान लो ये एल्कोहल ले लें, इसको H2SO4 से ट्रीट करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और थोड़ा टेम्परेचर भी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर मिनिमम 80 डिग्री 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें से H2O निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और ये एल्कीन बन जाता है। लेकिन अगर इसी एल्कोहल को HI से ट्रीट कर रहे होते तो ये आयोडाइड बना लेता। ऐसा क्यों होता है भाई? दोनों स्ट्रांग एसिड्स हैं लेकिन HI ने डिहाइड्रेशन क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि I- इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस। जबकि HSO4- बेटर बेस है देन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना।
HSO4 माइनस एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी है और वीक बेस भी है, लेकिन अगर उसकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर किया जाए तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेहतर है, बेसिसिटी बेहतर है, इट्स ए बेटर बेस, सो इट बिहेव्स लाइक बेस प्रिफरेबली, ठीक है ना। No SN1 reaction takes place. ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएजेंट्स के लिए लिख लो, रिएजेंट्स मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ठीक है, बात समझ में आ गई। अपने को क्या करना है, जिस भी कार्बन पर OH ग्रुप होगा, अगर इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाई जा रही है तो आपको क्या करना है, इस OH ग्रुप को निकाल देना है। जब ये OH ग्रुप निकल जाए तो इसी पर आएगा प्लस चार्ज, जिस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसी पर एक प्लस चार्ज आएगा। अब इसमें देख लो कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होगा कि नहीं होगा, बोलो, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो इस प्लस चार्ज के दोनों तरफ जो कार्बन्स हैं उन पर डबल बॉन्ड बना दो बस। बताओ मेजर कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला, ये सिस प्लस ट्रांस भी होगा और प्लस यही पेयर मेजर भी होगा, ठीक है ना। रिएक्शन फॉलोज, एक पॉइंट और लिख लो, रिएक्शन फॉलोज सिटजेफ रूल, रिएक्शन फॉलोज सिटजेफ रूल, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखो, बातचीत मत कर बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से अगर हम इस एल्कोहल की रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, बोलो, ये वाला प्लस चार्ज बनेगा, क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा, नहीं। तो बताओ जो एल्कीन बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, बोलो, एक डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग और एक डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, विच इज द मेजर वन, पहला वाला प्रोडक्ट मेजर। इसमें बताओ, पहले तो जिस कार्बन पर OH है वहां से OH हटाकर प्लस चार्ज लगा दो, लगा दे। अब बोलो कोई रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन के बाद ये कितने मेंबर्स की रिंग बन जाएगी, अब तो एक ही एल्कीन पॉसिबल है, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन ये वाला बना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, तो बस आपको इधर बनाना है, डबल बॉन्ड राइट में बनाऊं या लेफ्ट में बनाऊं, दोनों इक्वल है, एक ही प्रोड मिलेगा। इसमें क्या हुआ, क्या कार्बोकेटन इसमें ऐसा बना, रीअरेंजमेंट होगा, क्या फायदा होगा उससे, अल्फा एच बढ़ जाएंगे तो रीअरेंजमेंट हो गया। अब डबल बॉन्ड एक राइट में बनेगा एक लेफ्ट में बनेगा, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ऐसा और राइट में, तो इसमें सिस ट्रांस दोनों होगा क्या बेटा, और मेजर कौन होगा, सिस ट्रांस पेयर या वन वाला, तो ये मेजर हो जाएगा। इसमें बताओ, इसमें इस तरह का प्लस चार्ज बनेगा, बोलो, फिर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के बाद ये सिक्स मेंबर्ड हो जाएगा, फिर और कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या इसमें, H माइनस शिफ्ट के बाद ये बन जाएगा ऐसा वाला प्लस चार्ज, ठीक है ना। तो अब बताओ इसमें रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड नीचे की ओर लगाऊं या ऊपर की ओर लगाऊं, दोनों इक्विवेलेंट है, और एक रिंग के बाहर, मेजर कौन सा, फर्स्ट। ये रीअरेंजमेंट बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, कायदे से तो आपको डायरेक्ट ही करना चाहिए। जैसे इसमें बोलो प्लस चार्ज आएगा या कोई रीअरेंजमेंट होगा, H माइनस शिफ्ट होगी, क्या एडवांटेज होगा, फिर रेजोनेंस, उसके बाद यही डबल बॉन्ड बन जाएगा,
ठीक है ना, इसमें बोलो प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। कौन सा रीअरेंजमेंट? एच माइनस शिफ्ट, उससे क्या एडवांटेज होगा? सीपीएम का फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ या लेफ्ट में बनाओ, एक ही बात है, सिस ट्रांस भी होगा। तो डबल बॉन्ड यहां बनाओ या इसके लेफ्ट में बनाओ, सिस प्लस ट्रांस दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, ये वाला प्लस चार्ज के इधर भी एक हाइड्रोजन तो है ना, जिन कार्बनों पे एच होता है वहां से एल्कीन बन सकती है। ठीक है, कर लिया, समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से अब एल्कोहल में कोई दिक्कत नहीं है। एक फाइनल, इसके लिए आपका क्या कहना है? मान लो ये एल्कोहल ले लिया जाए, यहां पर फिनाइल है और यहां पर फिनाइल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, यहां बन जाएगा, यहां प्लस चार्ज बन जाएगा, फिर क्या होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन से क्या ये सीपीएम बन जाएगा? क्यों? तो प्लस चार्ज बाहर आ जाएगा यहां। अब इस प्लस चार्ज के इधर तो एच नहीं है, इधर एच है तो यहां एक डबल बॉन्ड बन जाए। केवल दो लोगों ने सही बनाया था, एक तो हिमांशु ने और एक मीत ने सही बनाया। अच्छा, मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या ये वाला रीअरेंजमेंट हमने नहीं सीखा है? सीखा है। प्लस चार्ज यहां आ गया तो अभी अभी मैंने बताया कि जहां प्लस चार्ज आएगा उसके इमीडिएट नेबरिंग कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना है। अब किसी क्वेश्चन में एक सीक्वेंस, एक रिएक्शन ऐसी आ जाएगी, मैंने आपको बताया था ना कि बड़े सीक्वेंस के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप बीच में ये आ जाएगी तो वहीं पर लटक जाओगे। चलो रिएक्शन करते हैं, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मुखौटे हैं क्यों? सुबह सुबह उठ के एक बढ़िया सा मुखौटा चेहरे पे लगा के चले आते हो इंप्रेशन मारने के लिए। थोड़ी सी बुद्धि भी मांग लो यार भगवान से। चलो पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी E1 ऑफ एल्कोहल है। इट इज एक्चुअली डिहाइड्रेशन ऑफ 1,2-diol। 1,2-diol का मतलब अगल बगल वाले कार्बनों पर OH लगे हुए हैं, ठीक है ना। इस कंपाउंड का नाम है पिनाकोल। जरा ध्यान से पहले सुन लें, आप पहले इसको देख लीजिए मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप नोट कर लेना, ठीक है बेटा। ये एक एल्कोहल है पिनाकोल, ऑल जहां भी आता है वो एल्कोहल होता है, और जब हम इसको H2SO4 की प्रेजेंस में रीअरेंज करते हैं तो ये खुद रीअरेंज होकर और H2O बाहर निकाल के एक कंपाउंड बना लेता है जो एक कीटोन है और इसका नाम है पिनाकोलोन, ठीक है ना। और H2O बाहर निकल जाता है, मतलब H2SO4 बाहर निकलता है, तो मान लेते हैं कि H2O निकला। अगर H2SO4 रिएक्शन में पार्ट करता है तो अंत में H2SO4 बाहर आ जाता है। बात समझ में आ गई? अगल बगल वाले कार्बनों पर अगर OH हो तो एक H2O निकलकर कीटोन बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पिनाकोल, पिनाकोलोन। पिनाकोल इज द इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल एंड पिनाकोलोन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। लेकिन इसके अलावा भी पीएच को हटाकर यहां R रख के, मिथाइल रख के भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। तो इसका पहले मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म देखो, ध्यान से देखना, मैं करूंगा और आप लिखें नहीं, प्लीज बोर्ड की ओर देखें जरा। आप मुझे बताओ, अगर H2SO4 का H प्लस आएगा तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा? इस OH माइनस पर, OH पर आकर प्रोटोनेशन कर लेगा। कौन से वाले OH पर उसे आना चाहिए? दोनों इक्विवेलेंट है तो किसी पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। मैं जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको आंसर के लिए वेट नहीं करता, क्योंकि उसमें आपकी इज्जत उधड़ जाती है। चलो OH2+ ये बन गया। अब ये OH2+ एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा क्या बेटा? अगर ये लीव कर जाएगा तो H2O के निकलने के बाद क्या उस कार्बन पर जहां से OH2+ निकला है, क्या वहां एक कार्बोकेटायन बन जाएगा? हां या ना बोलो,
क्या इस कार्बोकेटायन में कोई रीअरेंजमेंट होगा या खुद ये टर्शरी है और रेजोनेंस स्टेबिलिटी है इसलिए स्टेबल है और रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए? रीअरेंजमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्यों? यस, OH का प्लस एम मिलेगा ना इसे, प्लस एम के लिए कार्बोकेटायन कुछ भी कर सकता है, हम लोगों ने कार्बोकेटायन अलग से भी पढ़ा है, तो इसमें एक रीअरेंजमेंट होगा और पड़ोसी कार्बन से फिनाइल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना, पड़ोसी कार्बन से फिनाइल शिफ्ट हो जाएगी और फिनाइल शिफ्ट होने के बाद ये कार्बोकेटायन यहां पहुंच जाएगा ताकि इसे OH ग्रुप का प्लस एम स्टेबिलिटी मिल जाए और उस बदले में एक कार्बन पर तीन फिनाइल ग्रुप आ जाएंगे। प्लस एम स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन कुछ भी कर सकता है। अब ये OH ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पीछे देकर बैक बॉन्डिंग करके और उस कार्बोकेटायन को खुद के ऊपर ले लेगा, ठीक है ना, प्लस चार्ज को खुद के ऊपर ले लेगा और यहां डबल बॉन्ड बना देगा। ऐसे में अब इस H प्लस को यहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा, क्यों? तो H प्लस के निकलने के बाद क्या बन जाएगा, बताओ, बताओ क्या बन जाएगा, ये पिनाकोलोन बन जाएगा। एक बार फिर से देखें, H प्लस किसी एक OH पर प्रोटोनेशन कर लेगा, जहां पर ये प्रोटोन किसी एक OH पर, क्योंकि दोनों OH इक्विवेलेंट है, जब दोनों OH इक्विवेलेंट नहीं होते तो उस OH पर प्रोटोनेशन होता है जहां पर बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो। ये हम लोग नोट में लिखने वाले हैं, पहले H प्लस एक OH पर प्रोटोनेशन कर लेगा, OH2 प्लस बाहर निकल के चला जाएगा, जब OH2 प्लस निकल के जाएगा तो उस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करेगा किस वजह से, क्या एडवांटेज मिलेगा रीअरेंजमेंट करने से, OH का प्लस एम, प्लस एम के लिए कार्बोकेटायन कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो अब आ गया यहां पर, तो प्लस एम के चक्कर में इसने H प्लस फायर किया और कीटोन बन गया, क्लियर होगी बात, बात समझ में आ गई। तो दो पॉइंट इसमें खास है, क्या, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एट मोस्ट स्टेबल पोजिशन, और दूसरी बात, ये जो शिफ्ट हुआ है ना माइग्रेशन, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि शिफ्ट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, क्या है ऑर्डर, क्या है बताओ, पीएच माइनस सबसे ज्यादा, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और मिथाइल माइनस सबसे कम, याद है क्या, ये ऑर्डर बता रखा है मैंने आपको माइग्रेशन का। अब आप नोट करें, H माइनस आता है पहले, बताऊंगा फिर इससे मिलते जुलते एग्जांपल करेंगे ना, तो उस समय आप जरा बोर्ड की ओर देखेंगे और मुझे सजेस्ट करते चलेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं उनके लिए जो मेरी तरह देर से समझ पाते हैं, अगर 1-2 डाइऑल हो तो प्रोटोनेशन होगा और एक OH निकल जाएगा, दोनों OH इक्विवेलेंट है इसलिए किसी भी प्रोटोनेशन करा दें, लेकिन जब इक्विवेलेंट नहीं होगे तो किस पे प्रोटोनेशन कराया जाएगा, जो कार्बन ज्यादा क्राउडेड होगा, ज्यादा क्राउडेड कार्बन ही तो प्लस चार्ज ज्यादा अच्छे से एकोमोडेट कर लेता है, बात समझ में आ रही है, तो दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है वहीं पर प्रोटोनेशन कराया जाएगा, प्रोटोनेशन हो गया, कार्बोकेटायन बन गया, फिनाइल शिफ्ट हो गई ताकि ये कार्बोकेटायन जो है वो प्लस एम की स्टेबिलिटी पा सके, अगर यहां फिनाइल भी होता मिथाइल भी होता तो कौन शिफ्ट करता, इस ऑर्डर के हिसाब से शिफ्टिंग होती, बात समझ में आ रही है, शिफ्ट जो है शिफ्ट स्ट्रिक्टली फॉलोज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, शिफ्ट हो गया, प्लस चार्ज यहां आ गया, एच प्लस फायर हो गया, कीटोन बन गया, क्लियर होगी बात, जरा एग्जांपल करो, मतलब मैं करूंगा और आप बोर्ड की ओर देखें, मान लो हमने इस तरह का एक डाइऑल लिया होता तो बताओ H प्लस कहां प्रोटोनेशन करता, दोनों में से किसी पर भी कर देते, मान लो हमने यहां प्रोटोनेशन करवा दिया तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, कौन शिफ्ट करेगा, मिथाइल या फिनाइल, फिनाइल शिफ्ट करेगा, तो इस कार्बन पे दो फिनाइल और एक मिथाइल हो जाएंगे और यहां प्लस चार्ज आ जाएगा जो H प्लस फायर करने के बाद कीटोन बना लेगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या, क्या मैं लिख दूं कि यहां मिथाइल कीटोन बच जाएगा और दो फिनाइल एक जगह आ जाएंगे, किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा दूसरा सजेस्ट करो, पहले आप मुझे बता दो फिर नोट करना बाद में, ठीक है ना, बोलो H प्लस किया, प्लस चार्ज कहां लगाऊं, प्लस चार्ज कहां बनेगा बोलो, क्यों,
क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, क्राउडिंग तो यहाँ पर भी है, प्लस चार्ज यहाँ बन जाएगा। जब प्लस चार्ज यहाँ बन जाएगा तो शिफ्ट कौन करेगा? मिथाइल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। इस कार्बन पे दोनों मिथाइल है तो कोई भी मिथाइल एक शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या एक कार्बन पर एक फिनाइल और दो मिथाइल हो जाएंगे और इधर मिथाइल कीटोन बन जाएगा? समझ नहीं पा रहे हो? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि यहां पर एक फिनाइल और दो मिथाइल आ जाएंगे और यहां पर मिथाइल कीटोन बन जाएगा, सब कुछ चलेगा? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? संदीप समझ में आ रहा है? जरा एक और देख लो। मान लो मैं यहां फिनाइल फिनाइल करके OH कर दूं और यहां मिथाइल मिथाइल करके OH कर दूं, बोलो H प्लस की प्रेजेंस है, किधर कार्बोकेटायन बनेगा? बोलो लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो कौन शिफ्ट करेगा? मिथाइल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा। तो एक कार्बन पे दो फिनाइल एक मिथाइल और दूसरे कार्बन में मिथाइल कीटोन, ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूं भाई, दो फिनाइल एक मिथाइल और मिथाइल कीटोन, ठीक है ना? एक और देख लो, बोलो कौन शिफ्ट करेगा? मैं पहले प्लस चार्ज कहां बनेगा? राइट में। राइट में बन जाएगा तो शिफ्टिंग कौन करेगा? फिनाइल। तो यहां तीन फिनाइल हो जाएंगे और यहां एक मिथाइल रह जाएगा, ठीक है ना? तो यहां हो जाएगा एक मिथाइल और कीटोन और यहां हो जाएगा तीन फिनाइल। सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ये बात? अब आप नोट करें, अगर H होता तो H का शिफ्ट सबसे फास्ट होता। नहीं, पहले नंबर ऑफ मैकेनिज्म में आ जाओ। हाँ, जरा बोर्ड की ओर सभी लोग देख लें, इधर देख लो बेटे, इधर देखो, इधर देखो तुषार। मान लो हमने H प्लस लिया तो कौन से OH पे प्रोटोनेशन होगा? किसी पर भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं कि ये लेफ्ट वाले पर हो गया प्रोटोनेशन, ठीक है ना? OH टू प्लस बन गया ये, अब H2O निकल जाएगा क्या बेटे? H2O के निकलने से क्या यहां एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा? देखो, कोई रीअरेंजमेंट आप देख रहे हो क्या? कैसा रीअरेंजमेंट? रिंग एक्सपेंशन कौन सी वाली रिंग का, लेफ्ट रिंग का या राइट रिंग का? राइट रिंग का रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। कोई भी फाइव मेंबर फोर मेंबर रिंग के बाहर अगर प्लस चार्ज है तो वो रिंग एक्सपेंस कर। रिंग एक्सपेंशन से एक और फायदा होगा क्या? प्लस चार्ज उस कार्बन पे आ जाएगा जहां OH है, तो प्लस M की स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है ना? तो रिंग एक्सपेंशन का सीन बन गया। रिंग एक्सपेंशन होगा तो समझो समझो तो ये वाला बॉन्ड टूट के और इधर आ गया ऐसे, तो ये कार्बन जिस पर OH लगा हुआ था वो रिंग का हिस्सा बन जाएगा, सिक्स मेंबर्ड रिंग का, और उसी पे प्लस चार्ज आएगा। सभी समझ रहे हैं या मैं करके बताऊं? देखो, एक फाइव मेंबर्ड रिंग है जिसके बाहर प्लस चार्ज लगा हुआ है और इधर भी एक रिंग है और इस पर एक OH भी है। अगर ये बॉन्ड टूटा और यहां से कनेक्ट हुआ तो देखो क्या सीन बनेगा, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और तब प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। क्यों? ये कितने मेंबर्स की रिंग बन जाएगी? सिक्स मेंबर्ड रिंग, जहां पर एक रिंग लगी हुई है और साथ में OH उस कार्बन पर आ गया जहां प्लस चार्ज है, जहां पर OH है वहां प्लस चार्ज आ गया, तो क्या फायदा मिला इसे? प्लस M की स्टेबिलिटी भी मिली, रिंग का एंगल स्ट्रेन भी कम हुआ, सारा सीन बन गया। तो डायरेक्ट कर दूं क्या मैं? अगर आप देखो कि तो ये फाइव मेंबर रिंग रह जाएगी, यहां से एक सिक्स मेंबर रिंग ऐसे स्पाइरो मैनर में आ जाएगी जिस पर OH है और यहां प्लस चार्ज है। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सभी को? अब बताओ क्या होगा? अब ये H प्लस बाहर निकल जाएगा क्यों बेटे? तो क्या ये इस तरह का एक ऐसा कीटोन बन जाएगा? देख लो, यही होगा। डायरेक्ट करोगे? चलो डायरेक्ट करें इसको, डायरेक्ट। यही हो जाएगा ना, कर दोगे? अब नोट करो जरा, डाउट हो तो मैं फिर से बताऊं।
रिंग एक्सपेंशन का फंडा समझ में आ गया? यहां एक OH है, एक OH यहां पर, H2SO4 से रिएक्शन करवाया, पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट होने वाला है. फाइंड आउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि प्लस चार्ज कहां बनाया जाए. राइट सही. अगर राइट में प्लस चार्ज बन गया तो किस तरह का रीअरेंजमेंट देख रहे हो? रिंग एक्सपेंशन. वेरी गुड. अब आप कर लोगे, मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूं. जो कर ले वो मुझे दिखाए हैं. प्लस चार्ज कैसा बन जाएगा बताओ? प्लस चार्ज यहां आ जाएगा बेटे, फिर कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? रिंग एक्सपेंशन. रिंग एक्सपेंशन से ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, समझो. तो ये बॉन्ड टूट के यहां कनेक्ट हो गया, तो कितने मेंबर्स की रिंग बन जाएगी? ये सिक्स कार्बन जो बाहर से अब अंदर आया, रिंग में आया, उसके पास एक फिनाइल भी है और एक मिथाइल भी है, और OH पड़ोसी कार्बन पर है जिसपे प्लस आ जाएगा, और यहीं से H प्लस फायर करके ये कीटोन बन जाएगा. ऐसा हो गया. एक्चुअली क्या होता है ना बेटे, मान लो आपने इस तरह का एक डाईऑल लिया, नहीं डाईऑल नहीं लिया, मतलब इस तरह का एक एल्काइल हैलाइड लिया जिस जो एल्कोहल हेलो एल्केन है, और AgNO3 इसमें डाल दिया. तो यू नो Ag प्लस इज वेरी फॉन्ड ऑफ हैलाइड आयन. Ag प्लस क्या करेगा? I माइनस को निकालेगा, तो यहीं पर कार्बोकेट आयन बनेगा. अब हम पिछली बार की तरह से दोनों में से किसी एक पर कार्बोकेट आयन बनाने के लिए फ्री नहीं है. अभी पिछली रिएक्शंस में क्या हो रहा था कि जहां पर कार्बोकेट आयन ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए वहां हम C प्लस बना लेते थे, बट दिस टाइम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेट आयन इज फिक्स्ड बिकॉज कार्बोकेट आयन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड नॉट थ्रू डिहाइड्रेशन बट थ्रू यू नो रिमूवल ऑफ आई माइनस ड्यू टू Ag प्लस. ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि जब ये Ag आई बाहर निकल जाए कार्बोकेट आयन बन जाएगा, तब यहां से फिर जो शिफ्टिंग वगैरह है वो सब वैसे ही होगी, पिनाकोलो पिनाकोल और पिनाकोलोन जैसी. अब कौन शिफ्ट करेगा बोलो? फिनाइल शिफ्ट करेगा तो यहां कीटोन बन जाएगा. बस एक ही प्रॉब्लम थी कि पहला वाला कार्बोकेट आयन हम अपनी मर्जी से उस जगह पे नहीं बना पाए जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, मतलब पहला वाला कार्बोकेट आयन वही बनेगा जहां हैलोजन प्रेजेंट. ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जैसे कि मान लो हमने ये ले लिया, मान लो हमने NH2 ले लिया, NH2 से अगर हम HNO2 की रिएक्शन करवाएं, नाइट्रस एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड बिकॉज इट इज नॉट वेरी स्टेबल, तो जब भी कभी हमें जरूरत होती है तो NaNO2 और HCl डाल के तुरंत ही HNO2 बनाया जाता है. HNO2 क्या करता है ना, NH2 को N2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है. वैसे तो हम इसका मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ने वाले हैं कि कैसे N2 प्लस बनता है, लेकिन हम लोगों ने पहले भी एमीन के लिए पढ़ रखा है कि नाइट्रोजन निकल जाती है और बाद में कार्बोकेट आयन बन जाता है. ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर HNO2 से आप NH2 की रिएक्शन करवा दो, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन की रिएक्शन अगर आप करवा देंगे तो ये N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड N2 प्लस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, यू नो क्यों? N2 प्लस इज रादर द बेस्ट लिविंग ग्रुप. ये नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल सो इट लीव्स वेरी फास्ट, और उसके बाद यहां OH आ जाएगा और यहां प्लस चार्ज आ जाएगा. अब जरूर पिनाकोल पिनाकोलोन जैसा ही रीअरेंजमेंट होगा, फिनाइल शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद यहां पर कीटोन बन जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट फ्री टू फॉर्म कार्बोकेट आयन एट द मोस्ट स्टेबल कार्बन.
नाउ कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन पोर्शन ऑफ हैलोजन और NH2। बात समझ में? लेकिन एक बार जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तब रिएक्शन वैसे ही आगे प्रोसीड करेगी जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन में होती है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर फॉलो किया जाएगा और बाकी जो भी केसेस हैं वो सब होंगे। ठीक है, तो इट इज सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन। E2 reactions of alkyl halide. इसमें वही E2 reactions of alkyl halide, फिर alcohol, फिर ether. जहां पर भी E1 हमने कर ली, E1 में alcohol का भी E1 कर लिया और साथ में हमने पिनाकोल पिनाकोलोन नाम का एक 1-2 डाइऑल वाला भी कर लिया, वो भी alcohol ही है, डाई alcohol है वो. अब E2 reaction. E2 reaction is easier as compared to E1 because in case of E1 we had to take care for carbocation and its rearrangement, whereas in E2 carbocation formation is not possible. ठीक है, E2 reaction क्या होती है? मान लो हमने एक alkyl halide ले लिया, इसका reagent है, E2 reaction का reagent है strong base. हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस है कार्बन पर जब निगेटिव चार्ज हो, उसके बाद नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज हो, उसके बाद ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज हो. ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक ही पीरियड के एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेसिसिटी कम होती जाती है. तो कार्बन आयन्स आर स्ट्रांगेस्ट बेस हमारी लिस्ट में. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कोई भी बेस आएगा अगर तो सबसे पहले वो इस बीटा एच को ट्रैप करने की कोशिश करता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और फिर ये सैचुरेटेड कार्बन से एक लिविंग ग्रुप निकल के चला जाता है. हमने खास तौर पर चार रिएक्शंस को एक साथ डिजाइन किया जिसमें सैचुरेटेड कार्बन से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है. ठीक है ना, रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट वेयर दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन, this new bond with the base is going to be formed, here double bond character is being appeared and you know this X is going. ये एक transition state है जिसमें olefinic character यानी alkene का character आने लगा है, कार्बनों के बीच में जो bond है double bond उसमें partial double bond बनने लगा है. ठीक है ना, उसके बाद finally इधर से X minus निकल जाता है और इधर से बेस निकल जाता है. ठीक है ना, और उसके बाद ये एक अल्कीन बन जाता है क्योंकि H+ भी निकला है और X- भी निकला है, इसलिए इस रिएक्शन का एक और नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. इस रिएक्शन इज ऑल्सो नेम्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का ही रिमूवल, दैट मीन्स माइनस HX. अगर आपने किसी भी शब्द के पहले D लगा दिया तो इसका मतलब रिमूव करना है. डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल और डीहैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का रिमूवल. ठीक है ना, डाई डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? दो बार HX का निकालना. तो दो बार HX निकाल देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है ना, ये एल्कीन का प्रिपरेशन है, वो एल्काइन का प्रिपरेशन हो जाएगा. ठीक है ना, डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? X2 का निकलना. ठीक है ना, क्लियर होगी बात? बात समझ में आ गई? एक स्ट्रांग बेस है, बीटा एच को खींच कर ले जाएगा, रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट से पास होगी, उस ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन का कैरेक्टर भी अपीयर हो जाएगा और कुछ बॉन्ड्स हैं जो बनेंगे और कुछ बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक हो जाएंगे. लिविंग ग्रुप को सैचुरेटेड कार्बन से निकल के जाना है, कार्बोकेटायन बनने का कोई चांस नहीं है, रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है. बात समझ में आ रही है? ये जरूर है कि ट्रांजिशन स्टेट में इन पांच एटम्स को एक ही प्लेन में होना पड़ेगा. कौन कौन से पांच एटम्स? बेस, बीटा एच, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड लिविंग ग्रुप. क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा, इन कार्बनों पे sp2 का कैरेक्टर आने लगा, तो प्लेनिटी चाहिए ना भाई. और एक और बात, बीटा एच और लिविंग ग्रुप एक्स ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, यानी कि प्लेनर तो हो लेकिन बिल्कुल एंटी साइड में होने चाहिए ताकि उनको उसको लीव करने में, दोनों को ही लीव करना है तो कोई तकलीफ ना आए. अगर एंटी पेरिप्लेनरशिप मेंटेन नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी. लिखते हैं, एक एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें.
देखो हमारा तो ये स्टाइल है, हम लोग एक एक पॉइंट लिखते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं, फिर आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आप अनपढ़ हो। लिखे पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट्स बीटा एच प्लस, एंड एट द सेम टाइम एक्स माइनस लीव्स ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख लो, रिएक्शन हैज सिंगल स्टेप, अगला पॉइंट लिखो, रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, वेयर फाइव एटम्स आर इन अ प्लेन। कौन कौन से फाइव एटम्स भाई बोलो, बेस वहां लिखना ना, बीटा एच, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। ये पांचों एटम एक ही प्लेन में रहने चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि ओलिफेनिक कैरेक्टर यानी एल्कीन का कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट में ही आने लगा है, तो एल्कीन जब बनेगी तो दोनों कार्बन sp2 हो जाएंगे, और sp2 होने के लिए प्लेनरिटी का होना आवश्यक है। बात समझ में आ रही है, लिख लो इस बात को, बिकॉज ये आपने ये ब्रैकेट में लिख लिया कि ये चारों एक प्लेन में रहने चाहिए, बिकॉज ओलिफेनिक कैरेक्टर is appeared in TS itself, because olefinic character is appeared in transition state itself, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इन TS द बीटा एच एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरी प्लेनर। एंटी पेरी प्लेनर का मतलब क्या हुआ बेटे? एक ही प्लेन में लेकिन अपोजिट साइड में, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लो, दिस एंटी पेरी प्लेनरशिप इज मस्ट फॉर E2 रिएक्शन। बात समझ में आई, E2 रिएक्शन के लिए एंटी पेरीप्लेनरशिप का होना जरूरी है। अगला पॉइंट लिख लो, रिएजेंट्स स्ट्रॉन्ग बेसेस आर द रिएजेंट फॉर E2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल क्या है भाई? कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस होता है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो जाए, या एमाइड आयन या फिर एल्कोक्साइड आयन। मोस्ट कॉमनली यूज इज सोडियम एल्कोक्साइड, बात समझ में आ रही। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ROH प्लस NaOH, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ROH प्लस KOH। अगर ये कहीं पर आता तो समझो E2 का सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। कैसे बनता है? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड कैसे करते हैं? अगर हमने एल्कोहल में NaOH लिया तो ये सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एल्कोहल में सोडियम मेटल ले लें
तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बन जाएगा। इसमें तो H2O है और इसमें हाइड्रोजन गैस। सोडियम एल्कोऑक्साइड बनाने के लिए ये मेथड है, अगर आपको एल्कोऑक्साइड बनाकर स्टोर करके रखना है तो, क्योंकि ये तो स्लरी है, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, सोडियम एल्कोऑक्साइड की स्लरी बनेगी और वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, एल्कोहल की ओर जाएगा फिर वापस आएगा, एल्कोहल की ओर जाएगा फिर वापस आएगा। लेकिन E2 रिएक्शन कराने के लिए जो बेस हमें चाहिए वो हमें इससे मिल जाएगा। एल्कोऑक्साइड बनाकर स्टोर करना हो तो सोडियम मेटल से लेना चाहिए, लेकिन अगर हमें E2 रिएक्शन के लिए सोडियम एल्कोऑक्साइड की जरूरत है तो हम ROH और NaOH डाल देते हैं, उससे हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, RO-Na+ का एग्जाम्पल इसमें हो सकता है मिथॉक्साइड, ठीक है ना, या फिर इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, या फिर आइसोप्रोपॉक्साइड, या फिर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आप समझते हो ना, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, हालांकि ये एक बल्की बेस है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, और ये जो O- माइनस है ये स्ट्रांग बेसिस भी हैं। तो ये वो कैटेगरी है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल विद स्ट्रांग बेसिक कैरेक्टर। आपको याद है मैंने एक जगह कैटेगराइज करवाया था। मुझे एक बात बताओ, इथॉक्साइड और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड में ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है, इथॉक्साइड, और ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज अ गुड बेस, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज के ऊपर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, इथॉक्साइड की या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की? न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ा सा वीक क्यों है, ये बल्की होने की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। बात हुई थी ना, मैंने एक नोट लिखवाया था कि सेम डोनर एटम होने पर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम होता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, उनमें यह भी लिखा था। बड़ा अच्छा लगा आपको याद आ गया, यकीन करें बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये बात लेक्चर में लिख लिया, लिखो E2 रिएक्शन फॉलोज सेटजेव्स रूल। अगला पॉइंट लिख लो, E2 रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव। रिजियो सिलेक्टिविटी के बारे में बताया था मैंने आपको कि अगर दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अनइवन अमाउंट में बने तो रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव कहलाती है। ठीक है ना, एक बात और लिखो, E2 रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव। मैं लिखता हूं यहां पर ना, E2 रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव। दूसरी बात, E2 रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव। और तीसरा, E2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक, E2 रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, रिजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिलेक्टिविटी इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, यानी अगर प्रोडक्ट में कोई खास बात हो तो हम कहते हैं रिएक्शन सिलेक्टिव है। एंड स्पेसिफिसिटी इज रिलेटेड टू द रिएक्टेंट, यानी अगर एक खास रिएक्टेंट लेकर ही वो रिएक्शन करवाई जा सके तो हम कहते हैं रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है ना, तो जरा ये दोनों टर्म्स के बारे में लिख लेते हैं। रिजियो सिलेक्टिविटी पहले लिखवा चुका हूं मैं आपको, चलो तीनों एक साथ लिख लेते हैं फिर से ताकि एक ही जगह पढ़ा रहे। रिजियो सिलेक्टिविटी जल्दी जल्दी लिखो जरा, तो उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिजियो सिलेक्टिविटी हेडिंग लिखो जरा, लास्ट टाइम वी डिड इट, वी रोट इट, जरा लिखो। व्हेन इन अ रिएक्शन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन अनइवन अमाउंट्स, आई रिपीट, व्हेन इन अ रिएक्शन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन अनइवन अमाउंट्स, इट इज नोन एज रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। मतलब अगर प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो तो रिजियो सिलेक्टिविटी होती है, उसमें एक मेजर हो एक माइनर हो। ठीक है ना, मैं फिर से बोल लेता हूं, व्हेन इन अ रिएक्शन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन अनइवन अमाउंट्स द रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव।
स्टीरियो सेलेक्टिविटी लिख लो, व्हेन इन अ रिएक्शन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन अनइवन अमाउंट्स व्हेन इन अ रिएक्शन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन अनइवन अमाउंट्स द रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है ना, हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे सारे और स्टीरियो स्पेसिफिक। अच्छा, इसमें एक बात लिख लो, एक नोट लिख लो, सेलेक्टिविटी इज मोर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, सेलेक्टिविटी इज मोर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी लिखे हैं आप। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी लिखे, देखो व्हेन आउट ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ रिएक्टेंट व्हेन आउट ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ रिएक्टेंट वन गिव्स द रिएक्शन एंड अदर डजंट गिव और गिव्स वेरी लेस। मैं फिर से बोल लेता हूं, वेन आउट ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द रिएक्टेंट वन गिव्स द रिएक्शन एंड अदर डजंट और इट गिव्स वेरी लेस द रिएक्शन इज नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक। जैसे मान लो सिस ने रिएक्शन दिया और ट्रांस ने नहीं दिया, तो हम कहेंगे भाई रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है ना, या ट्रांस ने बहुत कम दिया। बात समझ में आ गई, बात ऐसे होता है, क्लियर होगी बात। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, जब रिएक्टेंट का एक स्टीरियो आइसोमर रिएक्शन करे और दूसरा रिएक्शन ना करे। यहां एक नोट लिख लो नीचे, नोट में लिख लो स्पेसिफिसिटी इज मोर रिलेटेड टू द रिएक्टेंट। स्पेसिफिसिटी इज मोर रिलेटेड टू द रिएक्टेंट। अगले लेक्चर में हम लोग ना इन्हीं के एग्जाम्पल्स करेंगे और E2 रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स करेंगे। E2 का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जिस जगह पर हैलोजन है वहां से H निकाल दो, या वहां से हैलोजन निकाल दो और पड़ोसी कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दो। क्यों, इसमें कोई कार्बोकेटायन भी नहीं बनना, रीअरेंजमेंट भी नहीं होना, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अगली बार हम लोग थोड़ा सा E2 का फिर से सीन बना के और करेंगे।